नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, जो MBA करके होटल मैनेजमेंट करके दिल्ली में लगभग 10 से 12 साल नौकरी किया उन्होंने। और जब उन्होंने होटल में नौकरी करना स्टार्ट किया तो आसपास के लगभग 8 से 10 होटल का प्रॉफिट कम हो गया और इनका प्रॉफिट, इस होटल का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो गया। नंबर 1 पे वो होटल आ गया इनके सर्विस के कारण, इनके मैनेजमेंट के कारण। इनका सैलरी लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच गया। 10 साल में उन्होंने टोटल 1.5 करोड़ रुपया अर्जित किया। जब इतना पैसा इनके पास आ गया तो इनके मन में थॉट हुआ कि क्यों नहीं अपने शहर में जाके, अपने सिटी में जाके एक होटल इसी तरह से खोला जाए। तो वो अपने सर भागलपुर आ गए और भागलपुर में उन्होंने 70 लाख का एक प्लॉट लिया और 50 लाख रुपया खर्च करके और उनको बनाया होटल के डिजाइन में, और 30 लाख रुपया का रहने के लिए घर खरीद लिया। जैसे ही उनका होटल बन के रेडी हुआ, जो पहले से आसपास के होटल वाले थे उन्होंने अपना रेट आधा कर दिया। रेट आधा करते ही इनके होटल में बुकिंग बिल्कुल कम हो गया और इनका प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो गया। फिर उन्होंने 2% पे एक कर्ज लिया अपना जीवन यापन करने के लिए, और उनका जो घर था 30 लाख रुपए का, वो भी उनको सेल करना पड़ा मजबूरी में। कुछ दिनों के बाद वो बीमार रहने लगे और ज्यादा बीमार रहने लगे। ये जो आप कहानी सुन रहे हैं, ये हम में से 90% के साथ यही होता है। कोई होटल खोल रहे हैं, कोई स्कूल खोल रहे हैं, कोई कपड़े का दुकान खोल रहे हैं, कोई मेडिकल शॉप खोल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स का एकेडमी खोल रहे हैं। जिनका जो टैलेंट है वो टैलेंट ना करके वो खरीद के कुछ खोलना चाहते हैं। जबकि इन्होंने क्या गलती किया, उनको करना क्या चाहिए था, इनको स्टार्ट इंस्टेंटली करना चाहिए था। दिल्ली से आए, एक जगह रेंट पे लेते और वहां इंस्टेंटली होटल शुरू करते, जबकि उनको बनाने में लगभग 1 से 1.5 साल लग गया। और जो उनका हुनर था मैनेजमेंट का, सर्विस का, वो धीरे धीरे वो भूलते चले गए और जब होटल शुरू हुआ तो उसको मैनेज नहीं अच्छा से कर पाए। उनको आते ही स्टार्ट करना चाहिए रेंट पे, और उनका फोकस होना चाहिए उनके सर्विस पे, ना कि किसी जमीन और प्लॉट पे वो कैसे बनेगा, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। ये फोकस उनके मैनेजमेंट, उनके सर्विस से हट गया, इसीलिए वो दिवालिया हो गए। यदि वो ऐसा करते तो उस शहर का नंबर 1 वहां पे भी होते वो, जैसे वो दिल्ली में नंबर 1 थे सर्विस में, अपने सिटी में भी वो नंबर 1 पे ही होते। इसका मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ कि वो जो 1.5 करोड़ रुपया लाए थे, 50 लाख रुपया से वो रेंट पे ही स्टार्ट करते सब कुछ बिजनेस, और उस 1 करोड़ को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते आने वाले 15 साल के लिए, और मात्र 12% का रिटर्न अगर कैलकुलेट करूं तो 15 साल में 1 करोड़ का वैल्यू होता है 5 करोड़ 47 लाख रुपया। यदि उनका पोर्टफोलियो 13% का रिटर्न जनरेट करता तो उनके पास पैसा होता 6 करोड़ 25 लाख रुपया, जबकि 14% के रेट से ये पैसा होता 7 करोड़ 13 लाख रुपया। आज वो ना पैसा है, ना वो जिंदगी है, ना वो लाइफ स्टाइल है, वो कर्ज में है और बीमार है। तो आपको इस तरह का गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका टैलेंट है, जो आपका हुनर है, आपको वही काम करना चाहिए, ना कि प्लॉट फ्लैट के पचेड़े में पड़ना चाहिए। आप इसीलिए देखते हैं बैंक का हुनर क्या है, बैंक का ब्रांच खोल के लोगों को सर्विस देना। वो बैंक का ब्रांच खरीद के नहीं खोलते हैं, वो रेंट पे लेते हैं और अपना काम इंस्टेंटली शुरू करते हैं। तो आपको भी इंडिविजुअल लाइफ में अपना काम इंस्टेंटली शुरू करना चाहिए, ना कि प्लॉट और फ्लैट को खरीद के उसमें 1 साल 2 साल टाइम लगा के, अपना एनर्जी लगा के उसमें टाइम अपना वेस्ट करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4-5 फैमिली मेंबर्स मिलके आप हमसे गूगल मीट पे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां मुझे आप फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए बुला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस किस म्यूचुअल फंड में 1-1 हजार 2-2 हजार का SIP स्टार्ट करना चाहिए। एक बार जब आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।